हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको लूप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें लूप्स के बारे में हमने इससे पहली कक्षा में सीखा था, लूप्स क्या होता है, उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके प्रकार क्या हैं, जैसे कि व्हाइल लूप, फॉर लूप कैसे काम करते हैं। लूप्स के फ़ायदे के बारे में हम इस कक्षा में भी जानेंगे। फिर हम पाइथन में अलग प्रकार के लूप्स के बारे में खोजेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार ये हमें अवेलेबल हैं। इस क्लास में हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें कि हम लूप को बैंड करना, कोई इंस्ट्रक्शन को स्किप करना या इंस्ट्रक्शन को स्टॉप करना, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि लूप के अंदर लूप काम करता है। इसका इस्तेमाल आप पंक्ति और कॉलम में अलग अलग नंबर को टाइप करने में कर सकते हैं। वीडियो के साथ आपको एक पीडीएफ शेयर की जाएगी, जिसमें लूप्स के टॉपिक समझाए गए हैं। साथ ही आप ये विषय मेराकी पे जाके भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप मेराकी पर लॉगिन करें, कोर्स पे क्लिक करें और अंत में लूप पर जाकर क्लिक करें। आप यहाँ से सभी टॉपिक को पढ़ सकते हैं और मेराकी पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। धन्यवाद।